फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक जॉब नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में। तो बेसिकली यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते, बहुत सारा स्ट्रीम के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते। पहले देख लेते हैं कौन से स्ट्रीम और कौन से ब्रांच यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ईसी अगर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईएनआई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सीएससी अगर कंप्यूटर साइंस होगा, सिविल मैकेनिकल केमिकल, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो क्वालिफिकेशन होगा आपका, यहाँ पर डिग्री आपको इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बीटेक और बीई क्वालिफाई होना चाहिए और इसका जो मिनिमम मार्क्स है वो 65% चाहिए आपको एग्रीगेट में, और एससी एसटी के लिए 55% हो जाएगा। और नंबर ऑफ पोस्ट में बाद में डिस्कस करूँगा, यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं दिया हुआ है, बाद में दिया हुआ है, मैं आपको अच्छी तरह से डिस्कस करूँगा। तो उसके बाद आते हैं हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दूंगा, आप लिंक से जा सकते हैं, ठीक है, जाकर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप अच्छी तरह से ये जो है ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो अप्लाई आप अगर ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। और सीएससी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अगर आपका स्ट्रीम है वो आप कर सकते हैं। और ट्रिपल ई में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। ईएनआई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। और मैकेनिकल में मैकेनिकल भी कर सकते हैं और प्रोडक्शन इंजीनियर भी कर सकते हैं, और सिविल सिविल है और केमिकल भी केमिकल कर सकते हैं। अब आते हैं जो पोस्ट में आपको बताया था। तो नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, ईसी के लिए जो है 25 है और जनरल और अनरिजर्व जो है वो 12 है, ओबीसी 7, एससी 4, एसटी 2, और ट्रिपल ई के लिए है 12, 6, 3, 2, 1, ईएनआई का 3, 2, 1 है, यहाँ पर एससी एसटी का कोई सीट नहीं है, सीएससी का 10, 5, 2, 2, 1, सिविल का 6, 3, 2, 1, मैकेनिकल के लिए है 7, 3, 2, 1, 1, या केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है 3, 2, 1, यहाँ पर भी एससी एसटी का कोई सीट नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते जो रिजर्वेशन ऑफ, तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो एज लिमिट 25 ईयर्स तक दिया हुआ है जनरल के लिए, ठीक है, वो जो डेट है वो है 13 नवंबर 2017 तक। और एज आपका रिलैक्सेशन मिलेगा आपका 5 ईयर्स एसटीएससी के लिए और 3 ईयर्स ओबीसी के लिए, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 65% मार्क्स आएगा, अगर एसटीएससी हो आपको आप 55% मिल सकते हैं, ठीक है। पहले आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो एग्जामिनेशन जो है वो जो सिटीज़ है वो बहुत सारा सिटीज़ है, आप देख लीजिए यहाँ पर इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची, रायपुर, ठीक है, जम्मू, नागपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, दिल्ली, तो मेन जो सिटीज है इंडिया में वहीं पर आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका इंटरव्यू। तो अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो फीस जो यहाँ पर है जनरल के लिए वो है 500 रुपीज़, और जो एससी के लिए जो है वो आपका कोई फीस नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर बॉन्ड है, 4 ईयर्स का बॉन्ड है, 1 ईयर्स ट्रेनी एंड 3 ईयर्स इंजीनियर। अगर आप बॉन्ड से आप नहीं ब्रेक करना चाहते तो आपको एक पेनल्टी देना होगा, वो है 4 लाख रुपीज़, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी तक से स्टार्ट हो गया है, 2 तारीख से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट जो है वो है 22 दिसंबर तक, ठीक है। और ये जो टेस्ट है वो 7 जनवरी में होगा 2018 में, और इंटरव्यू डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगर आप क्वालिफाई करते तो उसके बाद आपको ये किया जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो लिंक में जाकर, अब मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप जाकर इस पेज में पहुँच। तो वो लिंक में जो दिया हूँ आपके
तो वो लिंक में जाकर आप इस टाइप का आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और अगर इस जॉब नोटिफिकेशन आपको चाहिए, ये जो नोटिस है वो चाहिए, तो उसके जो साइट पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश और हिंदी, तो अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो इंग्लिश में क्लिक करके आप देख सकते हैं, और हिंदी में भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।